बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उन्नति बिल्डर निवेशकों को लूट रहा है, उनकी जमा पूंजी डकार चुका है। ऐसे में निवेशकों ने अपनी जमा रकम को रिटर्न करने की मांग की है। रिपोर्ट देखिए। उन्नति फॉर्च्यून बिल्डर की बदमाशी, अनिल मिठास ने निवेशकों को लूटा, निवेशकों की जमा पूंजी डकारी, उन्नति फॉर्च्यून वर्ल्ड के नाम पर लूट। 2013 में प्रोजेक्ट किया था लॉन्च, 2018 में भी शुरू नहीं हुआ काम, निवेशकों में मची खलबली। अनिल मिठास एक ऐसा क्रिमिनल बिल्डर है जो निवेशकों की जिंदगी में जहर घोल रहा है। नोएडा में इसके कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट इसका पूरा नहीं है। ये नोएडा में निवेशकों को लूटने उतरा है। इसका मकसद घर खरीदारों को घर बनाकर देना नहीं है। नोएडा अथॉरिटी के घूसखोर अफसरों से साठगांठ करके निवेशकों को कंगाल बनाने आया है। अरण्य ग्रुप के निवेशक त्राहिमाम कर रहे हैं। अब उन्नति फॉर्च्यून वर्ल्ड प्रोजेक्ट के खरीदार भी इसकी ठगी के शिकार हो रहे हैं। 2013 में इस मक्कार ने उन्नति फॉर्च्यून वर्ल्ड नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च किया। निवेशकों को फंसाकर इसने सभी खरीदारों से औसतन 80 से 90 फीसदी रकम वसूल ली, ये कहकर कि 2017 तक ये काम पूरा करके निवेशकों को उनका आशियाना दिला देगा। लेकिन घर खरीदार इस धूर्त और लुटेरों के सरदार अनिल मिठास की चिकनी चुपड़ी बातों में फंस गए। प्रोजेक्ट लॉन्चिंग ब्रोशर में इसने निवेशकों से इतना फेंका कि वो इस प्रोजेक्ट में विश्व स्तरीय सुविधाएं देगा। नोएडा एक्सप्रेस वे पर उत्तर भारत का पहला लेक फेसिंग प्रोजेक्ट होगा। 5-स्टार होटल, रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट, चांद सितारे और भी बहुत कुछ। लेकिन हकीकत ये है कि इसके प्रोजेक्ट पर धूल उड़ रही है। इस मक्कार ने इस प्रोजेक्ट की एक ईंट तक नहीं रखी। 1,00,000 वर्ग मीटर जमीन पर जालसाजी की इमारत खड़ी करके ये बदमाश अब निवेशकों की रकम हड़पना चाहता है। निवेशक अब इसकी मंशा भांप चुके हैं। हाल ही में हुई मीटिंग में निवेशकों के सब्र का बांध टूट गया। अब उन्हें इस 420 पर एतबार नहीं है। अब निवेशकों को घर की दरकार नहीं है, वो हर हाल में अपनी जमा पूंजी ब्याज सहित वापस मांग रहे हैं। 2013 में 12-13 के समय से ही उन्नति वालों ने 144 सेक्टर नोएडा में नोएडा एक्सप्रेसवे के पास इन्होंने कमर्शियल के लिए स्पेस खोला। बहुत ही अच्छी लोकेशन है, वहाँ पे हमने खोला और उन लोगों ने खोला और खोलने के बाद उन्होंने हमसे बुक करवाया। तो 2013 में हमने बुक कराया, उन्होंने कहा था कि 3 से 4 साल के अंदर में हम आपको दे देंगे। ये 5 साल होने जा रहा है, आज तक एक भी ढेले का काम वहाँ कुछ नहीं हुआ। और हम लोग जब भी उसका फॉलो अप कर रहे हैं, वो हमसे छुपने की कोशिश करता है और किसी भी चीज की इन्फॉर्मेशन सही से नहीं दे रहा है। अभी हाल ही में अनिल मिठास हवालात की हवा खाकर लौटा है। इसकी चमड़ी इतनी मोटी हो चुकी है कि इसे जरा भी शर्म नहीं है। जब तक प्रशासन उंगली टेढ़ी नहीं करेगा, ये बदमाश बिल्डर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। निवेशकों की जमा पूंजी ये दूसरी जगह शिफ्ट कर चुका है। अब उसके पास इतना पैसा नहीं है कि इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करे। नोएडा अथॉरिटी के अफसर वर्क परमिशन देकर आंख मूंद चुके हैं। उन्हें क्या उनकी जेब हर महीने गर्म हो रही है? निरीक्षण के नाम पर अथॉरिटी के अफसर इंजीनियर्स की पांचों उंगली घी में है और निवेशक इसके दफ्तर के चक्कर काट कर परेशान हो रहे हैं। ऑफिस पहुंचने पर भी निवेशकों को बस घुमाया जाता है। दिन पहले की बात है, मिस्टर मिठास को रेरा की तरफ से भी कहा गया था पैसे देने के लिए, उन्होंने नहीं दिया। जब नहीं दिया तो जिन लोगों ने केस किया था उन लोगों ने उनके पीछे लगा के यहाँ के नोएडा अथॉरिटी, नोएडा के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनको पकड़ के और जेल में डाला। फिर जेल में डाला तो सुनने में आया कि थोड़े बहुत पैसे उसने वापस करके फिर से वो छूट गया। तो क्वेश्चन इस बात की है कि हम इसके पीछे लगे हुए हैं, लोगों के 5-5 करोड़ से लेकर नीचे 10 लाख रुपए तक लोगों के फंसे पड़े हैं और ये पैसे लेके रुके हुए हैं और कोई कुछ भी नहीं कर रहा उसके ऊपर। नोएडा में अनिल मिठास नासूर बन चुका है। इसका इलाज सिर्फ जेल है। जब तक इसे जेल में नहीं ठूसा जाएगा, निवेशकों की जमा पूंजी वापस नहीं मिलने वाली। रेरा ने जिस तरह वसूली की, आरसी जारी की थी और दादरी एसडीएम ने जेल में ठूस कर 71 लाख वसूले थे, ठीक वैसी ही कार्रवाई की जरूरत है। नहीं तो ये मक्का निवेशकों की जमा पूंजी अपनी अय्याशियों में उड़ा देगा। नोएडा बेईमान बिल्डरों के एक ऐसी पनाहगाह बनता जा रहा है कि वो आते हैं, अपना बिजनेस जमाते हैं, बायर्स को लूटते हैं और चले जाते हैं। कहीं ना कहीं उन्नति बिल्डर भी अब यही कर रहा है।
अभी भी जो रेरा में इसका रजिस्ट्रेशन है उसकी मान्यता यानी जो डेट है वो एक्सपायर हो चुकी है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ऐसे बेईमान बिल्डरों पर नकेल कौन कसेगा, ना ही रेरा कुछ कर पाता है और ना ही प्राधिकरण। तो देखना होगा कि आखिर अपने आशियाने के लिए भटकते रहे बायर्स आखिर कब तक भटकते रहेंगे और कब तक ऐसा ही मौन रहेगी प्राधिकरण और रेरा। कैमरा पर्सन अमित के साथ दानिश, भारत समाचार। 3C बिल्डर निर्मल सिंह नोएडा का गुनहगार है। इस बदमाश बिल्डर ने भी 3000 से ज्यादा घर खरीदारों का जीना मुहाल कर रखा है। परेशान घर खरीदारों फिर उसके घर का घेरा